उपवास में खाए जाने वाला ये मालपुआ देखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे एक और इनोवेटिव रेसिपी, पनीर मालपुआ। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी मिला के गैस पे गर्म होने के लिए रख दीजिए। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर, और अगर आपके पास केसर थ्रेड है तो वो डाल दीजिए। मेरे पास इस समय केसर थ्रेड नहीं थे तो मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। चाशनी हमें एक तार की चाहिए। एक तार की चाशनी जैसे ही बनने वाली होती है उसी समय फ्लेम बंद कर देना है। इस तरह की होते ही फ्लेम बंद कर दीजिए। ग्राइंडर में पनीर को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। पनीर इस तरह का एकदम स्मूथ ग्राइंड हो जाना चाहिए। इसके बाद इसमें डाल दीजिए राजगिरे का आटा और थोड़ा सा पानी। पानी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, पर पहले थोड़ा ही पानी डालें, ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और फिर और पानी मिलाएंगे। देखिए इस तरह का स्मूथ ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड करते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ग्राइंड करते जाना है। एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। एक नॉनस्टिक पैन में एक से डेढ़ चम्मच घी डाल के मेल्ट कर लीजिए और घी को पूरे पैन में फैला लीजिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें एक मालपुआ डाल के देखिए इस तरह से चम्मच से डालते जाना है और थोड़ा सा कुक होने दीजिए। कुक होने के बाद पलट के देख लीजिए। अगर ये आसानी से पलट रहा है तो मालपुए का बैटर परफेक्ट है मालपुआ बनाने के लिए। अगर पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो एक से दो चम्मच राजगिरे का आटा और मिलाइए, फिर से फेंट लीजिए और उसके बाद बनाइए। एकदम आसानी से बन जाएगा। पर मैंने यहाँ पे 8 टेबलस्पून डाला था, उतने में आसानी से बन गया है। इस तरह से सभी मालपुए डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इतने मालपुए बनाने में 5 से 6 चम्मच ही घी लगने वाला है। मालपुआ कुक करते समय फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा लगेगा। इस तरह सभी मालपुए पलटते जाना है और सेकते जाना है। मालपुआ सेकने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। और अगर आप नॉनस्टिक पैन पे नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा, आप लोहे के पैन पे भी इसे बना सकते हैं। इस तरह सभी मालपुए बनाते जाना है और एक प्लेट में निकालते जाना है। सभी मालपुए बन जाने के बाद चाशनी को फिर से एक बार गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही चाशनी गर्म हो जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें मालपुए डाल दीजिए। जितने मालपुए आसानी से आए उतने ही डालिए और बीच बीच में इन्हें पलटते रहना है। 20 से 25 मिनट तक मालपुए को इसमें ही रहने देना है। 20 से 25 मिनट के बाद मालपुए को चाशनी में से निकाल लीजिए और बचे हुए मालपुए को भी फिर से चाशनी गर्म करके सेम प्रोसेस से तैयार कर लीजिए। लीजिए तैयार है पनीर मालपुआ। वाओ, दिखने में ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इस इनोवेटिव रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।